हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एक नए अंदाज और नए प्रोडक्ट के साथ। जी हाँ, जायको प्राइम प्लस। जाइडेक्स वाटरप्रूफिंग कंपनी, जो जाइडेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड है, उसका एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, मोस्ट वन ऑफ द रनिंग प्रोडक्ट। आपने कभी डॉक्टर फिक्सिड का URP 300 यूज़ किया है? अरे किया होगा, डब्बा बताता हूँ, रुको। जी हाँ, यही वाला डॉक्टर फिक्सिड देख रहे हैं आप, डॉक्टर फिक्सिड URP 300। अभी आपने जो URP देखा, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। डॉक्टर फिक्सिड URP की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। ये जो है जायको प्राइम, हमारे को कहाँ कहाँ यूज आ सकता है? इसको हम सबसे पहले हमारे जो कंक्रीट मसाला बनाते हैं वाटरप्रूफिंग के लिए, रिपेयर के, वाटरप्रूफिंग के लिए मतलब अपन छत वगैरह रिपेयरिंग के लिए कुछ काम में लेते हैं सीमेंट को, उसके अंदर डाल सकते हैं, पहला। दूसरा, हम इसको एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं सीधा दीवारों पे क्लियर, मतलब कि हमारे जहाँ पर सोरा वगैरह आ रहा है, जहाँ पे हमारे को सोरा आ रहा है और हमको पेंट करना है, उस पर हम इसको सीधा पेंट करके इसके ऊपर पुट्टी कर सकते हैं। तीसरा, एक वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट आता है जायको सिल प्लस, उस जायको सिल प्लस के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं रुकती है, उसके ऊपर किसी भी चीज़ को रोकने के लिए, मतलब कि आपने जायको सिल प्लस कर दिया वाटरप्रूफिंग के लिए प्लास्टर पर या दीवार पर, तो अब आप इसके ऊपर पेंट करना चाहेंगे तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो पकड़ नहीं करता किसी भी चीज़ को। तो अगर जायको सिल प्लस के अंदर हमने जायको प्राइम प्लस को मिला दिया, तो एक ये बॉन्डिंग एजेंट का काम करेगा, उसको तो मजबूती देगा ही देगा, साथ में ऊपर अपने ऊपर किसी भी तरह की पुट्टी को, प्राइमर को चढ़ने देगा। और इसका अगला जो यूज़ है वो है पुट्टी के अंदर मिक्सिंग। ये पुट्टी के अंदर इतना ज़बरदस्त तरीके से घुलता है, जो हम पुट्टी करते हैं ना पत्थरे से, जब हम पुट्टी को खींचते हैं तो जो खराब से खराब पुट्टी भी होती है ना, चाहे लोकल से लोकल पुट्टी हो, उसके अंदर ये डालने पर उस पुट्टी में जान आ जाती है। पुट्टी को ये वाटरप्रूफिंग की तरफ ले जाता है, उसकी क्वालिटी को वाटरप्रूफिंग जैसी बनाता है। ये मटेरियल डालने से पुट्टी की जो है वो कवरेज बढ़ जाती है, उसकी जो चिकनाहट होती है वो बहुत ही शानदार हो जाती है, और उसकी जो मजबूती है वो भी बढ़ जाती है, और उसमें वाटरप्रूफिंग की कुछ क्वालिटीज़ ऐड हो जाती है, ताकि वो वाटरप्रूफ कर पाता है पानी से। इसके बाद इसको हम प्राइमर में मिला सकते हैं। जी हाँ, 20 लीटर प्राइमर में 1 लीटर जायको प्राइम मोर देन इनफ है, उसकी कवरेज को बढ़ाने के लिए, उसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए। अगर आप इस प्रोडक्ट को, एक बोतल को डिस्टम्पर की बाल्टी में डाल देते हैं, तो वो डिस्टम्पर जो है वो प्लास्टिक पेंट की क्वालिटीज ले आता है अपने अंदर। इसको हम प्लास्टिक पेंट में मिला सकते हैं, प्लास्टिक पेंट की ये चमक और कवरेज को बढ़ाने का काम करता है। जी हाँ, प्लास्टिक पेंट की 20 लीटर की बाल्टी में 1 लीटर जायको प्राइम मिला करके हम पेंट की कवरेज को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम जो है इसको वाइट सीमेंट में मिला सकते हैं। वाइट सीमेंट की इसकी जो खुराक होती है, वाइट सीमेंट के 50 किलो के बैग में ये हमको सिर्फ आधा लीटर चाहिए। 50 किलो वाइट सीमेंट में आधा लीटर जायको प्राइम प्लस मिलाने से वाइट सीमेंट की क्वालिटी को एक नया आसमान मिलता है, नई परफॉर्मेंस मिलती है, वो अच्छे से अपनी मजबूती को बनाती है और दीवारों के साथ जकड़ के मजबूती से बनी रहती है, हमारे पेंट को ख़राब नहीं होने देती। तीसरा, इसका जो है पुट्टी में जो यूसेज है, ये 40 किलो पुट्टी के अंदर 250 ml मटेरियल डलता है, मतलब कि ये एक पुट्टी के बैग में 250 ml डलता है। इसका छोटा पैक जो आता है 250 ml का, वो मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, 250 ml का जो ये छोटा पैक आता है, ये एक बैग पुट्टी के साथ मोर देन इनफ है, और जब 4 कट्टे पुट्टी लगती है तो उसके साथ 1 लीटर की जायको प्राइम प्लस की बोतल जरूर अवश्य लें और उसे लगाएं। इससे होना यूँ है कि भाई जहाँ आपके 10 बैग पुट्टी लगनी है, वहाँ 9 बैग पुट्टी में काम हो जाएगा, तो इसकी कॉस्ट तो अपने आप ही निकल जाएगी। तो ये गलत फहमी है कि भाई महंगा पड़ता है, नहीं पड़ता है। और उसके साथ पुट्टी के अंदर जो वाटरप्रूफिंग क्वालिटीज डालेगा वो बेमिसाल होगी, मतलब कवरेज बढ़ाएगा, वाटरप्रूफिंग कर देगा, मजबूत कर देगा, तो हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई भी नुकसान नहीं है। इसको भी आप अपने यश पेंट से परचेज कर सकते हैं। आप बेगू ऑनलाइन की वेबसाइट जो है वो, उस पर ये प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका है, आप इसको वहाँ से ख़रीद सकते हैं।
और इस पे जो प्रिकॉशंस वगैरह लिखे हुए हैं वो हम आपको बता देते हैं। ये जो है एक कोपोलीमर इमल्शन है, एक्रिलिक कोपोलीमर इमल्शन है जो सप्लाइंग बॉन्डिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो हमने अभी आपको बताया। इसकी जो स्टोरेज है वो रिकमेंडेड स्टोरेज है, ये 5 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, 45 डिग्री से ज़्यादा और 5 डिग्री से कम के टेम्परेचर में नहीं होना चाहिए। इसकी जो 1 लीटर की प्राइसिंग आती है वो 447 प्रति लीटर आती है। एक्सपायरी जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग से 4 ईयर्स आती है, मतलब कि 4 साल के अंतराल की बोतल है तो वो ख़राब नहीं हुई है, केमिकल जो है वो ख़राब नहीं हुआ है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस पर अपना टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। जाइडेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का ये प्रोडक्ट है। ये जो है ये वडोदरा गुजरात की कंपनी है इंडिया। इसकी वेबसाइट है zydexindustries.com और ये इसका जो कस्टमर केयर नंबर है वो मंडे से सैटरडे 10 AM से 6 PM तक हमेशा चालू रहता है। आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं waterproof@zydexindustries.com पर। थैंक यू। इस प्रोडक्ट को ज़रूर एक बार यूज़ करके देखिए, उसके बाद रिजल्ट आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद। अरे 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 रुको यार, सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो। थैंक यू।